हेलो फ्रेंड्स, मैं ललिता और मैं आज आपको बताऊंगी कि आप अगर खाने को 32 बार चबा चबा कर खाते हैं तो उसका क्या फ़ायदा होगा, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि 32 बार चबा कर खाने से क्या फ़ायदा होता है, हमें 32 बार खाना क्यों चबाना चाहिए, स्लो ईटिंग क्यों करनी चाहिए। तो चलिए बताते हैं इसके बारे में। देखिए, सबसे पहले मैं बताती हूँ आपको कि अगर हम 32 बार चबा के नहीं खाते हैं तो क्या होगा। उसके बाद मैं आपको ये बताऊँगी कि अगर 32 बार चबा कर खाते हैं या उससे ज़्यादा चबा के खाते हैं तो क्या फ़ायदा होगा। चलिए सबसे पहले बताते हैं कि अगर मान लीजिए आपने कोई खाना खाया, अपना मनपसंद खाना खाया, उसे जल्दी जल्दी उसे चबाया नहीं अच्छी तरीके से, बड़े बड़े टुकड़ों के साथ में ही निगल लिया, अब क्या होगा। जब वो खाना हमारे पेट में जाता है, जहाँ पर पाचन क्रिया होती है, ठीक है, पाचन क्रिया होती है, अब देखिए क्या है कि आपने खाना को अच्छे से चबाया नहीं, अब आपके पेट में कोई चक्की तो लगी नहीं है जो कि सब कुछ पीस कर हमारे पेट और आंतों के लिए वहाँ पेस्ट तैयार हो जाएगा, जी नहीं। यह काम करती हैं हमारी आंतें यानी स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। अब ज़रा सोचिए क्या गुजरती होगी हमारे पेट पर जब वहाँ पर आधा चबाया हुआ भोजन पहुँचता है। अब हमारी आंतों का जो है काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जब हम खाने को अच्छे से चबाएंगे नहीं तो इस पर क्या होगा, आंतों का काम ज़्यादा बढ़ जाएगा, उसका रिज़ल्ट क्या होगा, हम बहुत ज़्यादा थके हुए महसूस करेंगे अपने आप को, ठीक है, और भोजन को पचने का समय और अधिक बढ़ जाएगा। इससे क्या होगा, आपको मोटापा भी अधिक आएगा क्योंकि खाना तो पचेगा नहीं, और जब खाना पचता नहीं है तो जो आपका मल होगा वो भी आसानी से बाहर नहीं आएगा, और आपको अपच, खट्टी डकारे, बदहजमी, गैस आदि ये सब आते हैं, और साथ में जब ये सारी समस्या होंगी तो आएगा आपके पास मोटापा। देखिए, अब अगर आप खाने को खूब अच्छे से चबा कर खाते हैं, यानी 32 बार या 34 बार अगर आप खूब अच्छे से चबा चबा कर खाते हैं, एकदम खाने को एकदम पानी जैसा बना देते हैं, तब क्या होगा। जब आप 32 बार चबा चबा कर खाते हैं, ठीक है, तो क्या होगा कि ये जो खाना होता है, खाना मुँह की जो लार होती है उसके साथ में मिल जाता है, ठीक है। जब लार के साथ मिल जाएगा तो जो भोजन होगा उसे पचने में बहुत सहायता होगी। अब आप ये सोचिए, जब आपकी आंतों को अच्छे से चबाया भोजन मिलेगा तो उसका काम कितना आसान हो जाएगा, और आपकी जो अधिक ऊर्जा ख़त्म होती है वो भी बच जाएगी, आप अपने आप को तरोताज़ा और उस जो है काफ़ी अच्छा महसूस करोगे, ठीक है। और जब आपका खाना अच्छे से पच जाएगा, आपको कोई इस तरीके की अपच, खट्टी, डकारे, ये सब चीज़ों की कोई जो है समस्या नहीं होगी, तो आपका वज़न भी है वो काफ़ी नियंत्रित रहेगा, यानी आपका वज़न नहीं बढ़ेगा। इसीलिए हमारे ऋषि मुनि या बुज़ुर्ग लोग हैं वो हमेशा से ही कहते हैं कि खाने को अच्छी तरीके से चबा चबा कर खाइए, ठीक है, जिससे कि जो खाने के अच्छे न्यूट्रिशंस होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, वो हमारे शरीर को मिल सके। और सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी होता है कि देखिए, जो हम कोई भी खाना खाते हैं, ठीक है, खाना हम खा रहे हैं तो हमारा जो दिमाग होता है उसको 20 मिनट लगता है सिग्नल देने में कि अब पेट भर चुका है, लेकिन 20 मिनट तक के तो हम लोग खाते ही नहीं हैं, जल्दी 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 5 मिनट में, ज़्यादा ज़्यादा खींचा तो 10 मिनट में खाना ख़त्म कर लिया। अब जब 10 मिनट में ही इतना खाना खा लिया और 20 मिनट तो लगे नहीं, तो दिमाग को कहाँ खबर होगी कि भाई पेट भर गया है। तो इसीलिए खाने को धीरे 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 कोशिश करिए कि आप आधा घंटा तक इसको खींच के ले जाएं, 20 मिनट में ही आपको पता चलेगा कि दिमाग ने सिग्नल दे दिया कि अब भोजन नहीं चाहिए, हमें पेट भर गया है। तो इसीलिए कहा गया कि खाने को एकदम, एक रोटी लीजिए उसके छोटे छोटे टुकड़े करिए, ठीक है, और उसको धीरे 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 चबा चबा कर खाइए। जब आप चबा चबा कर खाना खाते हैं, एक रोटी आप आधे घंटे में ख़त्म कर पाएंगे, ठीक है, और आपका जो दिमाग है वो सिग्नल भी दे देगा कि हाँ पेट भर चुका है। रिज़ल्ट ये होगा कि आप अधिक कैलोरी नहीं लेंगे, ठीक है, और जो भी आप खाएंगे उसका अच्छा सा पोषण आपको मिल जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि अब आप जब भी खाना खाएं तो अच्छी तरीके से 32 बार चबा चबा कर खाएं, जिससे आपको मोटापा का शिकार ना होना पड़े। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को अवश्य दबाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।